गाइस आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। सो गाइस आज मैं आपको धन ऐप में यहाँ पे आपको जितने सारे भी ऑर्डर्स मिलते हैं बाइंग टाइम पे, चाहे वो लिमिट हो गया, मार्केट हो गया, ब्रेकेट हो गया, कवर हो गया, सो उन सभी के बारे में यहाँ पे मैं आपको लाइव एग्जांपल के साथ में बताने वाला हूँ कि कौन से ऑर्डर को आपको कब कब यूज करना चाहिए जिससे आपको ज़्यादा बेनिफिट आप ले सको। इस यहाँ पर मैं कोई भी ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड उसी में मैं आपको जो भी ऑर्डर्स रहते हैं उनके बारे में आपको बता देता हूँ। सो यहाँ पर चलिए हम जो भी 12 अक्टूबर का ये पुट ऑप्शन इसी को मैं सिलेक्ट कर लेता हूं। यहां पे मैं बाय पे क्लिक करूंगा ट्रेडिंग का और नॉर्मल का। सो गाइस अभी जो ट्रेडिंग रहता है इसमें आपको सारे ऑर्डर देखने को मिल जाते हैं। नीचे यहां पे आप देखोगे मार्केट हो गया, आपका लिमिट हो गया, ट्रिगर हो गया, कवर हो गया और लास्ट में यहाँ पे आपको एक और देखने को मिलता है जो कि रहता है ब्रेकेड ऑर्डर। सो 5 टाइप के यहाँ पे आपको ऑर्डर देखने को मिल जाते हैं और बाकी गाइस अगर आप नॉर्मल सेलेक्ट करोगे फिर यहाँ पे आपको लिमिटेड ऑर्डर ही देखने को मिलेंगे, जैसे आपका मार्केट हो गया, लिमिट हो गया एंड ट्रिगर हो गया। सो सिर्फ यहाँ पे आपको 3 ही ऑर्डर देखने को मिलते हैं। सो गाइस इससे अच्छा यहाँ पे मैं ट्रेडिंग सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि मैं आपको 5ों ऑर्डर के बारे में अच्छे से बता सकूँ। अभी गाइस मार्केट क्या होता है? सो गाइस मार्केट सिंपल रहता है। अभी आपका जो भी पुट ऑप्शन रहेगा, कॉल ऑप्शन रहेगा, स्टॉक रहेगा, उसका आपको यहाँ पे प्राइस चलता हुआ देखने को मिलेगा। जैसे अभी जो भी एक पुट ऑप्शन इसका प्राइस चालू है 11 रुपये 10 रुपये के आसपास एंड यहाँ पे मैंने मार्केट सेलेक्ट करके रखा हुआ है। एंड जैसे यहाँ पे मैं मार्केट सेलेक्ट करने के बाद जैसे यहाँ पे मैं इंस्टेंट बाय पे क्लिक करूँगा सो यहाँ पे मेरा जो पोजीशन रहेगा एग्जीक्यूट हो जाएगा एंड जो भी पुट ऑप्शन है बाय हो जाएगा सक्सेसफुली। सो कुछ इस तरीके से यहाँ पे मार्केट को यूज करोगे। जब भी आपको कोई भी पोजीशन इंस्टेंट लेना है, आपको बेट नहीं करना है, सो यहाँ पे आप फिर मार्केट को आप यूज करके कोई भी पुट ऑप्शन को आप बाय सेल कर सकते हो। जैसे गाइस अभी यहाँ पे मैं जैसे इंस्टेंट पे क्लिक करूँगा सो जो भी इसका प्राइस मिलेगा फिर यहाँ पे हमारा बाय हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाई देता हूँ, सो देख सकते हो जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक किया सो इमिडिएटली यहाँ पे हमारा एक पोजीशन चालू हो गया होगा। यहाँ पे आपको ऑर्डर्स में देखने को मिलेगा। सो देख सकते हो अभी यहाँ पे हमारा जो पोजीशन है चालू हो गया है एंड उसमें आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, सो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे हम दोबारा से बाय पे क्लिक करेंगे। अभी गाइस यहाँ पे मैं आपको लिमिट ऑर्डर के बारे में बता देता हूँ। सो मार्केट तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। बाकी गाइस अभी आप जैसे लिमिट करोगे सो यहाँ पे आपको फिर प्राइस डालने का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप एक लिमिट प्राइस डाल सकते हो। सो गाइस जो भी लिमिट प्राइस रहता है इसको आपको तभी यूज करना है जब आपको कोई भी पुट ऑप्शन हो गया, आपका कॉल ऑप्शन हो गया, उसको आपको कम प्राइस पे बाय करना है। जैसे अभी इसका प्राइस चालू है 12 रुपये एंड इसको अगर आपको 5 रुपये पे बाय करना है, 5 प्राइस पे बाय करना है, सो यहाँ पे आप जो भी लिमिट है यहाँ पे आप इंटर करोगे 5 एंड इतना इंटर करने के बाद यहाँ पे आप इंस्टेंट बाय पे क्लिक करोगे। सो जैसे आप इंस्टेंट बाय पे क्लिक करोगे सो यहाँ पे आपको एक ऑर्डर लग जाएगा। यहाँ पे आपको ऑर्डर्स में देखने को मिलेगा। ऑर्डर्स में आप देख सकते हो ओपन ऑर्डर में यहाँ पे आपको पेंडिंग ऑर्डर देखने को मिलेगा कि यहाँ पे आपका एक लिमिट ऑर्डर लगा हुआ है पुट ऑप्शन में। अभी का जो भी पुट ऑप्शन इसका जैसे ही 5 प्राइस आएगा सो यहाँ पे आपका फिर जो भी पोजीशन रहेगा एग्जीक्यूट हो जाएगा एंड यहाँ पे आपको फिर पोजीशन में देखने को मिलेगा। सो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आप लिमिट ऑर्डर को यूज करोगे एंड बाकी चलिए इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ यहाँ से एंड फिर से यहाँ पे मैं आपको बाकी ऑर्डर दिखा देता हूँ। अभी का बात करते हैं जो भी ट्रिगर ऑर्डर है इसको हम कब यूज करेंगे। सो जैसे आप ट्रिगर ऑर्डर को सिलेक्ट करोगे सो यहाँ पे आपको फिर 2 प्राइस देखने को मिलेगा। एक रहेगा आपका लिमिट प्राइस एंड दूसरा रहेगा ट्रिगर प्राइस। सो गाइस आपको यहाँ पे एक ध्यान में रख लेना है कि जो ट्रिगर ऑर्डर है इसको आपको तभी यूज करना है जब कोई भी आपका पुट ऑप्शन हो गया, कॉल ऑप्शन हो गया, स्टॉक हो गया, उसको अगर आपको हायर प्राइस पे बाय करना है। हायर प्राइस एज ए सेंस अभी यहाँ पे आप देखोगे इसका प्राइस चालू है 15 रुपये एंड इसको अगर आपको मान लीजिए 20 रुपये पे बाय करना है, 25 पे बाय करना है, यानी जो भी इसका करंट प्राइस चालू है इससे ज़्यादा प्राइस पे बाय करना है, सो तब आप जो भी ट्रिगर ऑर्डर इसको आप यूज करोगे। एंड कैसे करना है, सो मान लीजिए मुझे इसको 20 पे बाय करना है तो जो ट्रिगर प्राइस यहाँ पर हम इंटर करेंगे 19.90 यानी जो लिमिट प्राइस रहता है इससे थोड़ा आपको कम कर देना है। एंड उसके बाद यहाँ पे आप जैसे इंस्टेंट पे बाय पे क्लिक करोगे सो यहाँ पे आपका एक ट्रिगर ऑर्डर लग जाएगा। यहाँ पे आपको ऑर्डर्स में देखने को मिलेगा ओपन ऑर्डर। सो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा एक ट्रिगर पेंडिंग करके आ रहा है 20 प्राइस का। अभी जो भी पुट ऑप्शन है जब तक इसका 20 रुपये पे प्राइस नहीं पहुँचेगा तब तक यहाँ पे हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। एंड यहाँ पे आप व्यू पे क्लिक करके देख सकते हो कि जो भी स्टॉक है, और गाइस यहाँ पे आप देखोगे जो भी स्टॉक है इसका करंट प्राइस चालू है 14 रुपये एंड हमने यहाँ पे एग्जीक्यूट के लिए लगाया है 20 रुपये, यानी जब तक इसका 20 रुपये प्राइस नहीं पहुँचेगा, हायर प्राइस नहीं पहुँचेगा, तब तक यहाँ पे हमारा ऑर्डर पेंडिंग रहेगा। सो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आप जो भी ऑर्डर रहता है ट्रिगर वाला इसको आप यूज करोगे। सो चलिए इसको मैं डिलीट कर देता हूँ एंड बाकी गाइस यहाँ पे मैं आपको दूसरे ऑर्डर के बारे में बता देता हूँ। अभी गाइस कवर ऑर्डर की बात करें सो जो भी कवर ऑर्डर रहता है इसको आप जब यूज करोगे जब आपको साथ में जो भी आपका पोजीशन रहता है उसमें आपको स्टॉप लॉस भी लगाना है साथ में। जैसे गाइस यहाँ पे आप देखोगे 2 प्राइस देखने को मिल रहा है, एक रहा है आपका लिमिट प्राइस एंड दूसरा स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि
यहाँ पे आपका साथ में स्टॉप लॉस भी लग रहा है। सो अगर यहाँ पे आपको लिमिट प्राइस नहीं डालना है तो यहाँ पे मार्केट भी कर सकते हो। एंड बाकी गाइस यहाँ पे आप साथ में एक स्टॉप लॉस प्राइस डाल सकते हो। जैसे गाइस मान लीजिए यहाँ पे मैं लिमिट प्राइस डाल देता हूँ आपको एग्जांपल दिखाने के लिए। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं लिमिट प्राइस लगा देता हूँ 5 प्राइस का। एंड बाकी गाइस जो स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस है यहाँ पे आप कम डालोगे क्योंकि लिमिट प्राइस यहाँ पे हमारा 5 है, यहाँ पे हम 3 डाल देते हैं। सो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आप स्टॉप लॉस और लिमिट प्राइस को डालोगे, उसके बाद यहाँ पे हम इंस्टेंट बाय पे क्लिक करोगे। सो जैसे आप इंस्टेंट बाय पे क्लिक करोगे सो यहाँ पे आपका पोजीशन गाइस अभी यहाँ पे आप देखोगे कवर ऑर्डर यहाँ पे आपको दो दो देखने को मिल जाएगा। एक पहला रहेगा आपका ऑर्डर का पोजीशन का एग्जीक्यूशन का एंड दूसरा रहेगा स्टॉप लॉस वाला। सो गाइस ऐसा यहाँ पे आपके साथ में जो भी कवर ऑर्डर रहता है सो इसका बेनिफिट ये होता है कि आपकी जो पोजीशन रहता है उसके साथ में स्टॉप लॉस लग जाता है, यानी फिर आपका जो पोजीशन रहता है आपको कम रिस्क रहता है क्योंकि आपने साथ में स्टॉप लॉस लगा दिया है। अगर मार्केट रिवर्स वगैरह होगा सो यहाँ पे आपको फिर लॉस लिमिटेड होता है। तो गाइस आप कुछ इस तरीके से जो भी कवर ऑर्डर रहता है इसको आप यूज करोगे। बाकी चलिए यहाँ पे मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। अभी गाइस यहाँ पे मैं आपको लास्ट ऑर्डर के बारे में बता देता हूँ जो कि यहाँ पे हमारा ब्रेकेड ऑर्डर। लिमिट प्राइस देखने को मिलेगा, टारगेट देखने को मिलेगा एंड स्टॉप लॉस भी देखने को मिल जाता है। ऐसे गाइस यहाँ पे आप 3-3 ऑर्डर लगा सकते हो। अगर आपको लिमिट प्राइस नहीं लगाना है तो यहाँ से आप मार्केट कर सकते हो एंड यहाँ पे आप फिर टारगेट एंड स्टॉप लॉस तो आप लगा ही सकते हो। एंड गाइस अच्छी बात तो यह है कि यहाँ पे आपको जो टारगेट एंड स्टॉप लॉस रहता है यहाँ पे आप पॉइंट में एंटर कर सकते हो, यहाँ पे आपको प्राइस में डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे मान लीजिए जो भी पुट ऑप्शन इसको मैं बाय करता हूँ एंड इसमें मुझे अगर 5 पॉइंट का टारगेट लगाना है तो यहाँ पे मैं 5 पॉइंट एंटर करूँगा। एसएल आपको जितने पॉइंट का भी लगाना है तो यहाँ पे आपको एंटर करना है। जैसे अगर आपको एसएल लगाना है 3 पॉइंट का तो यहाँ पे आप 3 पॉइंट एंटर करोगे एंड उसके बाद जैसे आप इंस्टेंट बाय पे क्लिक करोगे से बाय हो जाएगा। अगर आप लिमिट प्राइस डाल के एंटर करोगे फिर आप जो भी लिमिट प्राइस डालोगे उस पर जब तक आपका पुट ऑप्शन का प्राइस नहीं आएगा तब तक ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। एंड एग्जीक्यूट होने के बाद आपका टारगेट एंड स्टॉप लॉस ऑटोमेटिक लग जाएगा, आपको फिर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे यहाँ पे मैं कर देता हूँ भी 3 प्राइज। वैसे यहाँ पे मैंने टारगेट कर दिया 1 पॉइंट का, स्टॉप लॉस कर दिया 1 पॉइंट का, यानी एक एक पॉइंट का हो गया है। एंड बाकी इस लिमिट प्राइज यहाँ पे 3 प्राइज। सो यहाँ पे मैं जैसे इंस्टेंट बाय पे क्लिक करूँगा सो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे हमारा एक ऑर्डर एक्सचेंज को भेज दिया जाएगा एंड यहाँ पे आपको ऑर्डर्स में पेंडिंग ऑर्डर देखने को मिलेगा, देख सकते हो। अभी गाइस जो भी पुट ऑप्शन है जैसे इसका 3 प्राइस पहुँचेगा सो यहाँ पे हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के बाद इमीडिएटली यहाँ पे आपको पोजीशन में देखने को मिलेगा कि उसमें आपको फिर कितना प्रॉफिट हो रहा है और कितना लॉस हो रहा है। बाकी गाइस जो आपका एसएल एंड टारगेट रहता है सो ऑटोमेटिक प्लेस हो जाता है। सो कुछ इस तरीके से गाइस जो भी आपका ब्रेकेड ऑर्डर रहता है इसको आप यूज करोगे। बाकी चलिए यहाँ पे मैं इसको भी एग्जिट कर देता हूँ। सो गाइस कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको इतने सारे 5 टाइप के ऑर्डर देखने को मिल जाते हैं। गाइस आप कुछ इस तरीके से यहाँ पे आप इतने सारे ऑर्डर को आप यूज कर सकते हो। एंड गाइस इनसे रिलेटेड अगर आपको कुछ भी डाउट आता है, प्रॉब्लम आता है सो मुझसे आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। एंड गाइस वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।